नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एकेड डिज़ाइनिंग में। यह है ऑटो कैड 2D ड्राफ्टिंग एक्सरसाइज नंबर 63। तो यहाँ पे हमारे सामने एक डायग्राम है, इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं आपकी प्रैक्टिस के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, इस वीडियो में हम इसे बनाएंगे ऑटो कैड 2D के लिए। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे इस सेंटर वाले पॉइंट से ही। यहाँ पर एक सर्कल बनाएंगे, उसके बाद ये PCD वाला सर्कल, और यहाँ पर आउटर सर्कल बनाएंगे। उसमें जो छोटे सर्कल्स है उन्हें हम एक सिंगल बना के इसमें पोलर एरे का यूज़ करेंगे, और दिए गए रेफरेंस के साथ हमें बॉटम में यहाँ पे दो सर्कल्स बनाने हैं, और यहाँ पे एक टेंजेंट लाइन हमें ड्रॉ करनी है, और उसे ही हम यहाँ पे लेफ्ट साइड के लिए मिरर कर देंगे। और यहाँ पे हमें एक फिलेट लेनी है रेडियस 60 की। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसे ड्राफ्ट करने के लिए। सबसे पहले लेते हैं सर्कल कमांड Enter, और स्पेसिफाई सेंटर पॉइंट मैं कहीं पर भी चूज़ कर लेता हूँ, और डायमीटर 15 का सर्कल यहाँ पे ड्रॉ करेंगे। रिपीटेड कमांड रहेगी, और यहाँ पे हम आउटर सर्कल ड्रॉ करेंगे जिसका डायमीटर है 60 मिलीमीटर। उसके बाद यहाँ पे देखिए जो PCD है दिया हुआ वो है डाया 40 का। तो सर्कल कमांड और सेम सेंटर के साथ डायमीटर मेंशन करेंगे हम 40 इस प्रकार से। अब हमें यहाँ पे जो छोटा सर्कल ड्रॉ करना है उसका डायमीटर है 10 और क्वांटिटी है 4 नोज। तो उसके लिए हमें यहाँ पे 45 डिग्री में ही यहाँ पे सर्कल ड्रॉ करना है। उससे अच्छा हम यहाँ पे क्वाड्रेंट में ही डायमीटर 10 का एक सर्कल यहाँ पे ड्रॉ करेंगे, और इसे हम यहाँ पे एरे कर लेते हैं। फर्स्ट यहाँ से सिलेक्ट करेंगे पोलर एरे सेंटर, और यहाँ पे हमारी क्वांटिटी रहेगी 4 नोज कुछ इस प्रकार से, और हमें यहाँ पे एसोसिएट में रखना है ताकि एक कंबाइन हो जाए, एक ब्लॉक डायग्राम में यहाँ पे हमारे सर्कल्स रहेंगे। तो इसे हम यहाँ पे एंटर कर देंगे। तो जैसे मैं इस एक को सिलेक्ट करूँ तो यहाँ पे देखिए ये सारे कंबाइन एक ही एसोसिएट में है। अब हम इन्हें रोटेट करेंगे इस सेंटर पॉइंट के साथ, और यहाँ पर रोटेशन एंगल रहेगा हमारा 45 डिग्री का। एंटर कर देंगे तो यहाँ पर देखिए जैसे हमें चाहिए वैसे ही यहाँ पर ये सर्कल प्लेस हो चुकी है। अब हमें यहाँ पे सेंटर से नीचे वाला सेंटर जो यहाँ पे दिया है सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस है 70, तो उसके लिए हम यहाँ पे एक रेफरेंस क्रिएट करेंगे। लाइन ले लेते हैं, और इसके सेंटर से स्ट्रेट वर्टिकली डाउनवर्ड की तरफ हमें आना है 70 मिलीमीटर, और यहाँ से राइट साइड में आना है 40 मिलीमीटर कुछ इस प्रकार से। और यहाँ पर हमें दो सर्कल्स ड्रॉ करने हैं, रेडियस 15 और रेडियस 10 का। तो इस पॉइंट पर रेडियस 15, रिपीटेड कमांड सेम सेंटर के साथ रेडियस 10 का और एक सर्कल यहाँ पे ड्रॉ करेंगे, और हमें यहाँ पे एक टेंजेंट लाइन ड्रॉ करनी है जो आउटर सर्कल्स को यहाँ पे टेंजेंट स्नैप पॉइंट में टच करती हो। तो यहाँ पे एक लाइन कमांड ले लेते हैं, और हमें अगर टेंजेंट चाहिए तो आप TAN स्नैप पॉइंट जो है टाइप कर सकते हैं। एंटर करके हम यहाँ पर टेंजेंट चूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा कंट्रोल की को होल्ड कीजिए और राइट क्लिक कीजिए माउस का, और यहाँ पे देखिए सारे स्नैप पॉइंट आपको दिखाई देंगे। तो इसमें से हमें टेंजेंट चूज़ करना है और इस सर्कल के लिए टेंजेंट यहाँ पे दे देना है। तो हमारी लाइन जो बनी है जो इस दो सर्कल को परफेक्टली टेंजेंट में यहाँ पे टच कर रही है। अब ये सारी एंटिटीज़, ये दो सर्कल और ये टेंजेंट लाइन जो है उसे हमें मिरर करना है एग्जैक्टली जो हमने रेफरेंस लिया था वर्टिकली मिडल का उसे, और सोर्स ऑब्जेक्ट डिलीट नहीं करनी है तो इसे नो में रख देते हैं कुछ इस प्रकार से। रेफरेंस की ज़रूरत नहीं है तो इसे अब हटा देते हैं, और यहाँ पे बॉटम में हमें फिलेट लेनी है। एफ एंटर, आर एंटर, रेडियस रहेगी हमारी 60। एंटर करेंगे और यहाँ से इन दोनों सर्कल को सिलेक्ट करेंगे तो ये रेडियस 60 की यहाँ पे फिलेट आ जाएगी। अब देते हैं सेंटर मार्क इस सर्कल के लिए, इन दो सर्कल्स के लिए इस प्रकार से, और सेंटर मार्क के लिए हम अलग से कलर डिफाइन करेंगे रेड, और इसे मैच कर देंगे सारी सेंटर लाइंस के साथ। जो हमारा लाइन वर्क जो है यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। अब दे देते हैं डायमेंशंस, तो स्टार्ट करेंगे लीनियर डायमेंशन के साथ। यहाँ पे सेंटर टू सेंटर वर्टिकल डिस्टेंस दिया है हमें 70, और यहाँ पे सेंटर टू सेंटर हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है 80, और सेंटर टू वन साइड डिस्टेंस दिया है 40, और यहाँ पे भी हम मेंशन करेंगे 40 डायमेंशन ताकि सेंटर हमें परफेक्टली पता चले। अब देते हैं डायमेंशन रेडियस,
रेडियस 10, रिपीटेड कमांड, रेडियस का चाहिए रेडियस 15 और यहाँ पे रेडियस 60। अब देते हैं डायमेंशन डायमीटर, तो फर्स्ट डायमीटर हमारा 60 का, यहाँ पे इनर सर्कल जो है वो है डाया 15 का और जो हमारा पीसीडी बनेगा वो है डाया 40 का और यहाँ पे डाया 10 के चार क्वांटिटीज़ है, तो इसे डबल क्लिक करके हम एडिट कर लेते हैं और यहाँ पे स्मॉल एक्स के साथ क्वांटिटीज़ 4। तो इस प्रकार से डायमेंशन को हम यहाँ पे डिफाइन करेंगे। मेक श्योर कि हमने सारे डायमेंशन यहाँ पे कवर कर लिए हैं। आप भी प्रैक्टिस कीजिए इस डायग्राम को बनाने की जल्द से जल्द कम समय में। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट एक्सरसाइज ट्यूटोरियल में, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे। जय हिंद।